हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चकली। चकली आप आटे या मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को चावल के आटे से बनाकर बताऊंगी। बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और बहुत चटपटी सी बनती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम कटोरी या कोई कप को सेट कर लेंगे। उसे भरकर मैंने एक कप चावल का आटा लिया है, घर का बना हुआ। आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। फिर मैंने इसका हाफ कप लिया है बेसन। भुने चने को मैंने पीस लिया है मिक्सी में, उसका बेसन बनाकर मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह मार्केट से बना हुआ बेसन जो आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमें चावल का आटा या बेसन को छान कर यूज़ करना है। मैंने पहले से ही छान कर रखा था। तो सबसे पहले हम लेंगे, इसमें ऐड करेंगे तिल 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, जिससे चकली चटपटी सी बनेगी। फिर हमें इसमें ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक। जिस कप से मैंने चने का बेसन लिया था उसी कप से मैं रिफाइन ऑयल ले रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह बटर भी मेल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हींग। फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें हम 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और गर्म पानी से हम गूंदेंगे। ठंडा पानी इसमें ज़रा सा भी ऐड नहीं करना है और आटा को हमें बहुत सॉफ्ट गूंदना है। और 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के बाद चकली मेकर में या फिर कोई पॉलीथीन नमक की नोज़ल लगा के, सबसे छोटा वाला, उससे हम बनाएंगे चकली। अगर आप इसको गोल गोल नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको लंबी आड़ी टेढ़ी भी बना लेंगे, तब भी अच्छी लगेगी खाने में। इसी तरह मैंने छोटी छोटी चकली बनाकर प्लेट में रख ली है। आप चाहे तो प्लेट, थाली या फिर बटर पेपर पे भी बनाकर रख सकते हैं। और मैंने पहले से ही तेल गरम होने के लिए रख दिया था। मेरा तेल गरम हो चुका है तो इसमें मैंने चकली डाला। चकली डालकर और गैस के फ्लेम लो कर दिया। लो फ्लेम पर इसको मैंने फ्राई किया है। लो फ्लेम पर फ्राई करने से क्या होगा कि क्रिस्पी बन जाएगी हमारी चकली, एकदम अच्छे से अंदर तक पक जाएगी। और हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो क्रिस्पी नहीं बन पाएगी, अंदर से नरम रहेगी और बाहर से पक जाएगी, रेड हो जाएगी। तो याद रखिएगा, हमें लो फ्लेम पर उसको फ्राई करना है। तो इसी तरह सब चकली को हम फ्राई कर लेंगे। ये चकली इतनी क्रिस्पी, क्रंची और चटपटी सी बनती है ना, खाने में तो मज़ा आ जाता है। और आप चाहे तो इसे सेजवान सॉस या टमाटो सॉस या टी टाइम का भी बेस्ट नाश्ता है। आप चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं टिफ़िन में। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।